के वीडियो में हम पावर स्टीयरिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। दूसरे वर्ड्स में बात करें तो यह एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है या इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम बोल सकते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो व्हीकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के काम आता है उसको हम स्टीयरिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमें गाड़ी को लेफ्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है या स्ट्रेट में रन करना है तो उसके लिए स्टीयरिंग एक अहम सिस्टम होता है। स्टीयरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे व्हीकल को आसानी से रिक्वायर्ड डायरेक्शन में घुमा दिया जाए या मोड़ दिया जाए तथा व्हील्स भी किसी प्रकार से स्लिप ना करें। इस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम होना चाहिए। स्टीयरिंग सिस्टम हमेशा लाइट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टीयरिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन होता है स्टीयरिंग व्हील्स के जो रोटरी मोशन को फ्रंट व्हील के एंगुलर टर्निंग में बदलना। यह ड्राइवर एफर्ट को स्टीयरिंग व्हील पे मल्टीप्लाई करता है मैकेनिकल एडवांटेज के साथ, जिससे रॉड व्हील्स इजीली टर्न हो जाएं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है या मेन प्रिंसिपल है पावर स्टीयरिंग का, यह सिस्टम व्हीकल के व्हील्स तथा रोड सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करे प्योर रोलिंग के साथ में, जिससे टायर्स में मिनिमम तथा यूनिफॉर्म वियर रहे। इस प्रकार का ये कंप्लीट स्टीयरिंग सिस्टम होना चाहिए। समझते हैं इंटीग्रल पावर सिस्टम के मेन मेन कौन से कंपोनेंट्स हैं, साथ ही किस प्रकार से वो काम करते हैं। यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील है जो कि ड्राइवर जो ड्राइव करने वाला होता है उसके हाथों में होता है व्हील, तो वो इसको लेफ्ट टर्न या राइट टर्न या स्ट्रेट व्हीकल को पोजिशन करने के लिए होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे एक हाउजिंग होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक हाउजिंग है। इस हाउजिंग में तीन मेन ग्रूव हैं और दो एडिशनल ओपनिंग्स हैं। तीन मेन ग्रूव की बात करते हैं। सबसे पहला इसका एक सेंटर ग्रूव है, यहां से ये पंप है और पंप से होता हुआ ये सेंटर ग्रूव है। सेंटर जो ग्रूव है ये बेसिकली ऑयल की एंट्री के लिए है, रिजर्वायर से नीचे की तरफ हाउजिंग में ऑयल की एंट्री के लिए। इसके अलावा दो इसके और ग्रूव हैं जो रिजर्वायर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला ग्रूव है और ये बॉटम सेक्शन की तरफ राइट साइड में एक और ग्रूव है। ये बेसिकली किस प्रकार से वर्क करते हैं, ये यहाँ पे ओपनिंग के काम आते हैं, यानी कि रिजर्वायर के अंदर ऑयल किस प्रकार से ओपन होगा, एंट्री करेगा, उसके लिए यहाँ पे ये दो ग्रूव होते हैं। एडिशनल जो दो ओपनिंग है उसमें एक ओपनिंग इस सिलेंडर के साथ में लगी हुई है जिसके अंदर यहाँ पिस्टन है, सिलेंडर के एक राइट साइड में ओपनिंग है और दूसरी जो ओपनिंग है यह ओपनिंग सिलेंडर के लेफ्ट साइड में लगी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से इसके आप पांच ओपनिंग समझ सकते हैं हाउजिंग से। मेन तो तीन ग्रूव हैं, जबकि दो इसकी एडिशनल ओपनिंग्स हैं। पंप का काम बेसिकली पंपिंग करना है। यहां से यह इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको चेक वाल्व बोलते हैं कि किसी प्रकार से पाइप्स में कोई ब्लास्टिंग ना हो जाए, फट ना जाए, तो उस केस से बचाने के लिए यहाँ पे ये चेक वाल लगा रहता है। रिजर्वायर ऑयल को कंटेन करने के लिए होता है जो कि कंटिन्यूअसली ऑयल को कंटेन रखता है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये आगे की तरफ सप्लाई करता रहता है। नीचे बॉटम फेज में प्लंजर है, ये प्लंजर व्हील को, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग है, व्हील को सेंटर में लाने के लिए लेफ्ट में टर्न या राइट में टर्न करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे ऑयल की ऊपर की तरफ एंट्री के लिए, यानी ऊपर की तरफ जाए और एंट्री करे, इसी प्रकार रिजर्वायर में जाए, इन सभी के लिए यहाँ पे ये प्लंजर और स्प्रिंगिंग एक्शन काम करता है। ये बेसिकली जो थ्रस्ट बेयरिंग है, ये थ्रस्ट बेयरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका बेसिक काम है इजी ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी इजिली हम स्टीयरिंग व्हील को ओपन कर सके, इजिली हम उसको लेफ्ट या राइट में टर्न कर सके और सेंटर में ला सके। इसी प्रकार से ये यहाँ पे पिटमैन शाफ्ट जो कि मेन इस नट के साथ में जुड़ा रहता है। टॉप सेक्शन में भी यहाँ पे रैक होता है और ये पिटमैन शाफ्ट है और ये एक प्रकार का पिनियन की तरह काम करता है, जो कि आपस में गियर्स इसमें लगे रहते हैं। अब बात करते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। वर्क करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ऑयल इस पंप के थ्रू होते हुए और यहाँ सेंटर सेक्शन से इसमें हाउजिंग के अंदर जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आता है। अब व्हीकल हमने मान लीजिए लेफ्ट टर्न किया, तो लेफ्ट टर्न करने के दौरान यहां इसकी मूवमेंट होगी, ये जो यहां पे मेन शाफ्ट है इस शाफ्ट के साथ में इन पार्ट्स की भी मूवमेंट होगी। तो जब मूवमेंट होगी तो यहां पे
जो ऑयल है वो एंट्री करेगा पंप के थ्रू होते हुए और इस सेक्शन में ऑयल आएगा। अब यहां से जो ऑयल है ये टॉप सेक्शन में जाएगा और टॉप सेक्शन में जाकर इस सिलेंडर के राइट साइड में आएगा। जब राइट साइड में ऑयल आएगा तो पिस्टन पे स्ट्राइक करेगा तो पिस्टन की मूवमेंट होगी। पिस्टन की जब मूवमेंट होगी तो उसी के अकॉर्डिंग व्हीकल जो है हमारा यहां पे लेफ्ट टर्न करेगा। व्हीकल जब लेफ्ट टर्न करेगा और पिस्टन की जब मूवमेंट होगी तो यहां पे हमारा जो ऑयल रहता है वो ऑयल वापस चला जाएगा इस हाउसिंग के इस कंटेनर में। अब यहां पे वापस रिवर्सल होगा तो रिवर्सल जब कंडीशन होगी तो ऑयल की वापस एक बार फिर से एंट्री होगी यहां से और इसको वापस पिस्टन को स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके वापस ले आएगा नॉर्मल पोजीशन पे। मीन स्टीयरिंग व्हील जो है वो व्हील्स को स्ट्रेट हेड पोजीशन पे ले आएगा। अदरवाइज जैसे हमने लेफ्ट टर्न किया था तो यहां से व्हीकल जो है इसको ऑयल जो है वो यहां पे पिस्टन को स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके वापस मूवमेंट करेगा। तो इस प्रकार से ये सिस्टम यहां पे वर्क करेगा। जब ऑयल यहां पे आ जाएगा मेनली और इसको फिल कर देगा तो जो एक्सेस ऑयल होगा ये वापस चला जाएगा रिजर्वायर के पास में, तो रिजर्वायर को वापस कंटेन करने के लिए उतना ही ऑयल मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये पावर स्टीयरिंग की सहायता से हम व्हीकल को आसानी से लेफ्ट या राइट टर्निंग मूवमेंट दे सकते हैं, टर्न कर सकते हैं विदाउट एनी हार्ड एफर्ट, यानी बहुत कम एफर्ट के साथ में ड्राइवर के आसानी से इसको राइट या लेफ्ट टर्न किया जा सकता है। इससे पहले जब मैकेनिकल टाइप के ओल्ड टाइम में आते थे उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था और व्हील को बहुत ज्यादा घुमाना पड़ता था, लेकिन इस केस में क्योंकि ये फ्लूइड के प्रिंसिपल पे काम करता है, हाइड्रोलिक के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मेनली ऑयल इसमें यूज होता है और उस ऑयल की सहायता से हम आसानी से व्हीकल की लेफ्ट या राइट टर्निंग कर सकते हैं। मींस मेन इसमें तीन पॉट, ये पहली पॉट, ये दूसरी पॉट और इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरी पॉट, तो तीन पॉट और यहां ये दो इसकी मेन ओपनिंग्स है और जो मेन वर्क होता है वो सेंटर से होता है क्योंकि पंप इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ऑयल को लाता है रिजर्वायर से उठा करके और नीचे इस सेक्शन में फिल करता है और यहां से ये ऊपर की तरफ मूव करता है। और जो प्लंजर है इन सभी वर्क्स में आसानी से स्टीयरिंग व्हील को हम लेफ्ट या राइट टर्न करके उसमें आसानी से हेल्प करता है हमारा प्लंजर स्प्रिंगिंग एक्शन के साथ में। तो ये था दोस्तों पावर स्टीयरिंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है मेनली, और किस प्रकार से स्टीयरिंग सिस्टम अपना फंक्शन करता है। थैंक यू दोस्तों।